गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। और आप जो सेशन है, आज का सेशन जो है वो इंग्लिश का सेशन है। ये सभी के लिए, आर्ट्स वालों के लिए भी है, फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए भी है। तो जल्द से जल्द सेशन के साथ जुड़िए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, चूज़ द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ इंस्टिल। इंस्टिल का ऑपोजिट बताना है। इंस्टिल होता है किसी चीज़ के अंदर डूबना, ठीक है? तो डूबने का जो होता है मतलब, उसका ऑपोजिट होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। इरेडिकेट होता है रिमूव करना, एक्सपैंड होता है आपका टू एक्सटेंड, एक्सपैंड करना मतलब टू इनलार्ज करना, एक्सप्रेस टू प्रेजेंट, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा, टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। चूज द बेस्ट सिनोनिम्स ऑफ रेविश। रेविश का मतलब क्या होता है? रेविश लेविश नहीं है, ये वर्ड लेविश नहीं है, लेविश होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एक वर्ड होता है रेविश। रेविश क्या होता है? एक्यूमुलेट करना, मीन्स टू टू गेट समथिंग या किसी चीज़ को जोड़ना, टू सेव प्रिजर्व मतलब टू सेव, अपहोल्ड टू कैरी ऑन। तो रेविश का मतलब होता है मिस यूज़ करना। कई लोग जो होते हैं वो हर चीज़ का मिस यूज़ करना जानते हैं, ठीक है। आजकल की दुनिया में आपने देखा ना कितने लोग रेविश है, कि मतलब कई लोग जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं एंड देन थ्रो इट। तो रेविश दैट लाइक अ रबिश, राइट। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्वेक्स। कन्वेक्स का ऑपोजिट क्या होता है? प्रोटोबेंट नहीं, प्रोटोबेंट होता है उभरा हुआ, फ्लैट चपटा फुल कंप्लीट इंडेंटेड। करेक्ट मतलब कन्वेक्स मतलब चपटा, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इंडेंटेड दैट इज कर्व। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेशियस। ग्रेशियस क्या होता है? डिफिडेंस नहीं, रिजोल्यूट नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, रूड। ग्रेशियस जो बहुत एलिगेंट है, एलिगेंट का ऑपोजिट रूड होता है, ठीक है। The news of the accident come as bolt from the blue. Bolt from the blue मतलब एकदम से। तो accident की खबर जब आती है, that is the unexpected और unpleasant. तो ये क्या आएगा आपका, unexpected and unpleasant. Next, error detection. I will have both the blue or the black pen. No error. इसमें error करना है। देखिए, I will have both the blue or the black pen. जब वर्ड आता है आई विल हैव, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, मतलब ब्लू भी है और ब्लैक ऑप्शन भी है। जब आपके पास दो ऑप्शंस है कि आई विल हैव बोथ ब्लू और द ब्लैक पेन, आपको चूज़ करना है। तो जब हम यहाँ पे क्या आएगा, बोथ, आई विल हैव आइदर ऑप्शन है ना, आई विल हैव आ गया, तो मीन्स ये ऑप्शन की बात कर रहा है। जब ऑप्शन की बात होती है तो हम हमेशा आइदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइदर। तो इसमें क्या आएगा, आई विल हैव आइदर द ब्लू और द ब्लैक पेन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, बोथ की जगह क्या आएगा आपका, ब्लू। तो आंसर इज आपकी कौन सी ऑप्शन है, ये वाली जो ऑप्शन है आपकी ए, दैट इज बोथ द ब्लू, दैट इज द एरर। ये है एरर, ब्लैक पेन में नहीं है, आई विल हैव में नहीं है, नो एरर। ही इज कैपेबल टू डू हिज वर्क विद इन द स्टिपुलेट पीरियड, नो एरर। ही इज कैपेबल टू डू हिज वर्क within the stipulated period, capable to do his work, capable of doing this work within the stipulated period, he is, he is तो ठीक है, within the stipulated period ये भी ठीक है, he is capable of doing this, to do this work नहीं, यहाँ पे आएगा of, capable of doing this, of के साथ क्या लग जाएगा, doing, to do नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये error है, ये error आएगा यहाँ पे। In our word कैपेबल जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस बता रहा है, तो इम्पॉर्टेंस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज ऑफ, प्रेपोजिशन यूज होती है फिर, ठीक है। इन आवर एक्सपीरियंस पीपल यूजली वैल्यू थिंग्स दैट दे हैव टू पे ऑफ फॉर ऑफ फ्रॉम मोर देन द अर्न्स दैट दे रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एरर। अगर हम अपना एक्सपीरियंस देखें, पीपल यूजली वैल्यू थिंग्स दैट दे हैव टू पे ऑफ मोर देन दैट। देखिए, पीपल हमेशा यूजली करते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो वैल्यू थिंग्स करते हैं दैट दे हैव टू पे ऑफ। तो यहाँ पे जो है पे ऑफ मोर देन दोज दैट, तो
तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा पे ऑफ मोर देन दैट, दोज दैट नहीं आएगा, दोज भी नहीं आएगा, मोर देन दैट. तो यहाँ पे क्या आएगा, पे ऑफ मोर देन, दोज नहीं आएगा, मोर देन दैट. ठीक है, तो आंसर इज डी. नेक्स्ट आता है द पाथ टू द फेमस चर्च पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट, नो एरर. द पाथ टू द फेमस चर्च, पाथ जो है फेमस चर्च का वो किस से पास होता है, फॉरेस्ट से पास होता है. तो पाथ ये भी ठीक है, फेमस चर्च पासिस ये भी ठीक है, थ्रू अ फॉरेस्ट ये भी ठीक है, नो एरर. इसमें जो वर्ड्स हैं ये जो ऑप्शंस है ना ये जिगजैग है, बट आपको ये देखना है कि किस पॉइंट पे जो है एरर है. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो एरर. द ऑपोजिशन लीडर ट्राई टू बोल्स्टर हिज पोजिशन विद द वोटर्स प्रेसिंग करप्शन चार्जेस अमंग अगेंस्ट राइवल्स, नो एरर. द ओपोजिशन लीडर ये ठीक है, टू बोल्स्टर हिज पोजिशन ये भी ठीक है, विद द वोटर्स, विद द वोटर्स नहीं अमंग द वोटर्स, यहाँ पे अमंग आएगा तो विद द वोटर्स प्रेसिंग नहीं आएगा, डी इज द राइट आंसर, इसमें एरर है. ठीक है, ऑन बींग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इन टू द रूम, नो एरर. ऑल ऑफ अस ठीक है, एंटर्ड इन टू द रूम ये भी ठीक है, नो एरर, ये भी ठीक है. ऑन बींग कॉल्ड तो ऑन कॉल, ऑन कॉल आएगा तो आंसर इज बी नहीं आएगा, तो सी इज द राइट आंसर, ये एरर है. नाउ क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम, अगर क्लॉक टाइम के साथ रिलेटेड है तो मीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, सैंड, रिस्ट या फिंगर. तो ये किसके साथ है, क्लॉक जो है वो समय के साथ है. ठीक है, तो एनालॉगी बताना है, मीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, क्लॉक टाइम बताती है तो मीटर क्या बताता है आपका, डिस्टेंस. स्पाइडर वेब बनाती है, इंक पेन नहीं, कॉक हैन नहीं, टीचर स्टूडेंट. स्पाइडर जो है वो वेब बनाता है, तो पॉइंट क्या बनाता है, पॉइंटरी बनाता है, तो डी. इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड इनटू द, फिर से वही आ गया, इनटू अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिसको बिलीव नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रैप्सोडिक, ये फिर से वही वर्ड्स आ गए. ठीक है, माई अंकल बिजनेस हैज़ गोन टू द डॉग्स, मेरे अंकल का जो बिजनेस है वो डॉग्स में चला गया. इज डेड नहीं, इज सिक नहीं, एंग्री. इसका मतलब है आपको इसमें क्या बताना है idiom, तो माई अंकल बिजनेस हैज़ गोन टू द डॉग्स की जगह आएगा इज रियूंड, क्या आएगा, नष्ट हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लुक शार्प एंड यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि इसका सही वर्ड क्या आएगा. लुक शार्प येस, यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी. बी कॉन्फिडेंट, मेक हेस्ट नहीं. यू विल, लुक शार्प का मतलब क्या है, पे अटेंशन अदरवाइज यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी. द डैश ऑफ द डैश कैरिड आउट द इंस्टीट्यूट वर पब्लिश्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, द रिपोर्ट्स एंड द फाइंडिंग्स, रिपोर्ट्स ऑफ द फाइंडिंग नहीं आता, ड्रॉबैक्स भी नहीं आता. यहाँ आएगा द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस कैरिड आउट इन द इंस्टीट्यूशंस वर पब्लिश्ड. वेरी वन नहीं है, ये एवरी वन है. एवरी वन न्यू देर वॉज अ फायर ऑन द बोर्ड, आपने इसमें पैसिव वॉइस बतानी है, वॉइस चेंज करनी है. ठीक है, एक्टिव वॉइस. अ फायर ऑन द बोर्ड वॉज, आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं और फिर उसके साथ बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट. तो एवरी वन न्यू देर वॉज अ फायर ऑन द बोर्ड, अ फायर ऑन द बोर्ड वॉज नोन टू बी बाय एवरी वन नहीं, अ फायर वॉज नोन टू बी देयर ये कम्प्लीट नहीं है, अ फायर ऑन द बोर्ड वॉज नोन देयर बाय एवरी वन नहीं. यहाँ पे आएगा सिंपल से, देखिए देर वॉज अ फायर ऑन द बोर्ड राइट, ऑन द बोर्ड वॉज न्यू की जगह क्या आ जाएगा, वॉज नोन बाय एवरी वन, क्या आएगा, बाय एवरी वन. तो डी इज द राइट ऑप्शन, ये वाला आपका सही है. एन एक्स टू अ ग्राइंड, एन एक्स जो होता है टू अ ग्राइंड, सफर अ लॉट, बिट्रे समबडी, अटैक एग्रेसिवली, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट. एन एक्स टू द ग्राउंड मतलब ग्राइंड करना, मतलब कुल्हाड़ी मारना.
कई बार क्या होता है, लोग जो है अपने सेल्फिश मोटिव के लिए अपने ही पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फिश इंटरेस्ट। ठीक है, तो आंसर इज सेल्फिश इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, ये है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें आपने फिल अप्रोप्रिएट फिलिंग द वर्ड भरना है, क्या आएगा आपने बताना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको पेन पेपर से आप खुद सॉल्व, जब तक आपकी लाइव क्लासेस नहीं आती हैं तब तक आप पेन पेपर लीजिए, फिर आपकी बहुत जल्दी जो है, अगर आप शेयर करते हो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो बहुत जल्दी लाइव आएंगे और फिर उतनी ही क्लासेस में इंटरेक्शन होगी। तो कुछ समय बचा है तो प्लीज़ इस समय का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रोहन इज़ डैश LIC एजेंट, रोहन जो है एक LIC एजेंट है। तो ए देखिए, ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्या है आर्टिकल, द इज़ डेफिनेट, द क्या है डेफिनेट, डेफिनेट जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं ना उनके लिए होता है, ए एंड एन ये इनडेफिनेट है। तो रोहन इज़ अ LIC एजेंट, द फैन इज़ डैश द टेबल, ये क्या है, इसमें आपको प्रेपोजिशन बतानी है। तो फैन टेबल पे है, तो टेबल के साथ फ़ैन जो है वो टच कर रहा है, सरफेस को जो टच करता है उसमें हम क्या लगाते हैं ओन, तो यहाँ पे क्या आएगा ओवर नहीं, अंडर द टेबल नीचे नहीं, इन भी नहीं आएगा, ऑन जो क्योंकि फ़ैन टेबल के सर्फ जब सरफेस को टच करता है तो ऑन। द मैन वॉज स्मगलिंग एंड मर्डर, इसमें से अप्रोप्रिएट फीलिंग द ब्लैंक्स कीजिए कि मैन वॉज स्मगलिंग एंड मर्डर, एडमिट टू, एडमिट तो ज़्यादातर हम हॉस्पिटल्स या एडमिशन्स के लिए करते हैं, अफ्रेड ऑफ नहीं, एग्री विद, जिसने स्मगलिंग की है और मर्डर किया तो उसको क्या किया जाएगा, एक्यूज, ठीक है, डांटा जाएगा या क्राइम के लिए उसको पनिश किया जाएगा। सोल्जर्स गो टू द बस बाय कैम्प, अब सोल्जर्स जो है वो कैंप पे जा रहे हैं तो उनके लिए वो किसके थ्रू जा रहे हैं, इसमें वे पूछा है। जब भी हम वे बताते हैं कि जब भी वे की बात होती है तो वो ऑन बस, इन बस, नहीं, विद बस, वो किसके द्वारा जा रहे हैं जब वे की बात हो रही है, तो दैट इज़ बाय बस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ डैश, जो IIT है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के साथ क्या है, एडमिटेड है, नहीं, एडमिट ऑफ है, नहीं, एफिलेटेड विद या एफिलेटेड टू, तो यहाँ पे आएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ एफिलेटेड टू, एफिलेटेड विद नहीं, एफिलेटेड टू AI की, उसको जो है एफिलेशन जो है किससे मिली है, AICTE है। नेक्स्ट आता है देर इज़ नो क्योर डैश द कोल्ड कॉमन कोल्ड, यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आएगा, देर इज़ नो क्योर फॉर कॉमन कोल्ड, टू तो डायरेक्शन बताता है, ऑन सरफेस, ऑफ रीज़न बताता है, यहाँ पे पूछा है आपका रीज़न, तो फॉर, शी इज़ अ वूमेन डैश हम्बल ओरिजन, शी इज़ अ वूमेन ऑफ हम्बल ओरिजन, ऑफ सेपरेट होता है, फ्रॉम हम्बल ओरिजन विद नहीं, आंसर इज ऑफ, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश इज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया उसकी एग्जामिनेशन के लिए, एट अबाउट फोर नहीं, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस पे, द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश एन एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लर्क्स, द प्रिंसिपल कॉल्ड आउट एंड एक्सप्लेन, ऑन तो नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, दैट इज आउट। ये है आपके आज के 24 क्वेश्चंस। इंग्लिश का सेशंस देखिए, अभी सेशंस बहुत छोटे हैं, व्हेन विल कम ऑन लाइव, तो सेशंस थोड़े बड़े करेंगे, बट प्लीज़ स्टूडेंट्स इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं इंग्लिश का तो जितना शेयर कर सकते हो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता और टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे हम उतनी जल्दी आपके साथ PDFs को भी शेयर करना शुरू करेंगे, बट वो डिपेंड करेगा कि आप कितना शेयर करते हैं और जब अगर कोई डिमांड होगी तभी, ठीक है। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल और प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने, वक्त बहुत कम है, बस इतना है कि आप शेयर कीजिए और जितना हो सकता है स्टूडेंट्स के साथ रिकमेंड कीजिए चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड इवनिंग, गुड नाइट, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कूल।